दो दिवसीय भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका आज औपचारिक स्वागत किया गया। शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो राजघाट पहुंची जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। इस दरमियान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी, द्विपक्षीय बैठक होगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ग्रीट किया, उनकी अगुवाई करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जहां दिया जा रहा था वहां तक लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दरमियान कई वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी रही। जेपी नड्डा यहां मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, तमाम गणमान्य लोगों के साथ मीट एंड ग्रीट सेशन रहा। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना के तमाम जवान यहां मौजूद रहे। तीनों टुकड़ियों द्वारा यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना की तीनों टुकड़ियां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए आप टीवी स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पहुंची जहां बापू को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विजिटर बुक में बाकायदा संदेश उन्होंने लिखा। देखिए राजघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें, वहीं बापू की समाधि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंची जहां श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं, आज राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज शेख हसीना की मुलाकात होगी। तीस्ता जल बंटवारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश भी है, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बेहद मधुर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बांग्लादेश को पड़ोसी देश होने के नाते वरीयता दी है। बीते दिनों मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान शेख हसीना भारत पहुंची थी। देखिए 15 दिनों के भीतर ये उनका दूसरा भारत का दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे इस 3.0 के कार्यकाल के दरमियान उनके गठन के बाद ये पहले विदेशी नेता का प्रधानमंत्री का भारत दौरा। बहुत महत्वपूर्ण इस दौरे को कहा जा रहा है दोनों देशों के लिहाज से, क्योंकि इसके बाद वो बीजिंग भी जाने वाली हैं, लिहाजा इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कमलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, हमने गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें भी देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस दरमियान यहां रही। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में मौजूद होंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। किन मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है और दोनों देशों के लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसे आपको पता ही है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड पैक्ट है सबसे ज्यादा है दुनिया में और बांग्लादेश सबसे ज्यादा ट्रेड जो करता है वो भारत के साथ करता है। ऐसी स्थिति में जो आज बायलेटरल टॉक्स शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होना है उसमें ट्रेड फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ तीस्ता जल संधि बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया फ्री ट्रांजिट रूट ट्रेन रूट जो खोला जाना है भारत और बांग्लादेश के बीच उसको लेकर भी चर्चा होगी। करीब 3-4 मुद्दे बातचीत करने की। इसके अलावा जो है ट्रांसमिशन लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रांसमिशन लाइन है विद्युत का उस पर भी बातचीत होनी है। ये 3-4 एग्रीमेंट होनी है और 11:30 बजे ये बायलेटरल टॉक्स दोनों नेताओं के बीच शुरू हो जाएगी और 12:50 पर दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बायलेटरल टॉक्स पर एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे जो कि पूरे प्रेस के सामने ये दस्तखत होंगे। उसके बाद प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, लेकिन ये प्रेस रिलीज जारी करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अलबत्ता भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से 3 बजे ब्रीफिंग की जाएगी किन किन पैक्ट पर सिग्नेचर दोनों देशों के बीच उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब बांग्लादेश आता है कि तीस्ता जल संधि बंटवारे को लेकर आप भारत अपना समझौता जो एग्रीमेंट को पुख्ता करे और कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की का जो कंसर्न है उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी उस एग्रीमेंट को जल्दी पूरा करना चाहती है। ये 3-4 इश्यूज आज के एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण टॉक्स होने वाले हैं। चूंकि बांग्लादेश की राष्ट्रपति पहली बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार
दूसरी बार आ रही हैं और पहली राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत के दौरे पे आ रही हैं। ऐसे में इसे इम्पोर्टेंस समझ में आता है, कितना इम्पोर्टेंस देती भारत के साथ रिलेशंस को। ठीक है, रक्षा समझौतों के साथ साथ फाइनेंशियल पैकेजेस को लेकर के भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल अगला शेख हसीना के नेक्स्ट दौरे से जुड़ा हुआ है। भारत के बाद वो बीजिंग के दौरे पर भी जा रही हैं और ज्योग्राफी के लिहाज से अगर बांग्लादेश की जो लोकेशन है और भारत के लिहाज से हम क्योंकि बॉर्डर साझा करते हैं, बीजिंग का उनका जाना इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? लेकिन निश्चित रूप से बीजिंग जाओ जा रही है तो इससे पहले वो रेसिप्रोकेट करने के लिए भारत आ रही है। चूंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर सीमा है लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर सीमा, किसी भी देश से बड़ा सीमा है और जो डिपेंडेंस है खासकर ट्रेड को लेकर के, ट्रांसमिशन लाइन को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, पोर्ट को लेकर के और खासकर सूती कपड़े को लेकर जो भारत पर डिपेंडेंस है वो निश्चित रूप से काफी है। लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि एक बड़ा पैकेज उनको मिले ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए और चाइना भी बांग्लादेश की ओर अब हेल्प का हाथ, या कह सकते हैं कि हेल्प करने के लिए हाथ बटा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजिंग जाने से पहले भारत के दौरे पर आई और भारतीय हुक्मरानों को वो कंपनसेट करना चाहती है कि अगर अगर वो बीजिंग के दौरे पर जा रहे हैं तो उनका बायलैटरल टॉक्स है और बायलैटरल टॉक्स में किसी भी कोई भी दस्तखत या कोई भी बातचीत ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर प्रभाव पड़े, लिहाजा वो पहले भारत के दौरे पर हैं, ऐसे कूटनीतिक हलकों में इस बात की जानकारी है। ठीक है, पावर और एनर्जी सेक्टर के लिहाज से भी अगर 2023 की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई थी, समझौते हुए थे। इसी समझौते को आगे बढ़ाने का भी जिक्र किया जा रहा है, खास करके मैत्री पाइपलाइन का मैं जिक्र करूंगी जो डीजल की धुलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पावर सेक्टर में भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते नजर आएंगे, इस पर कुछ महत्वपूर्ण और फैसले लिए जा सकते हैं क्या कमलेश? देखिए, निश्चित रूप से भारत पावर सेक्टर में करीब 1100 मेगावाट विद्युत है बांग्लादेश को सप्लाई करता रहा है। और जो पाइपलाइन की बात आप कर रही है, उस पाइपलाइन को समुद्री रास्ते के साथ साथ जमीन के रास्ते से बिछाना और हल्दिया से ये पाइपलाइन बिछना है, लिहाजा इस पर आप कह सकते हैं एग्रीमेंट हो चुकी है। लेकिन उसको अमली जमा पहनाना बाकी है, कुछ प्रॉब्लम्स है आप जमीन इंक्रोचमेंट को लेकर, जमीन को लेकर उस पर दोनों देशों के बीच बातचीत रुका हुआ है। तो समझाता आज की बातचीत में ये जो हर्डल्स है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बातचीत में काफी महत्वपूर्ण है वेस्ट बंगाल, जो भारत का राज्य है, वेस्ट बंगाल का कंसर्न है तीस्ता जल संधि बंटवारे को लेकर भी और कम से कम इस पाइपलाइन को लेकर भी। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या भारत सरकार वेस्ट बंगाल का जो का कंसर्न है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये पैक्ट करती है या कर। यहाँ पर दिल्ली और ढाका के बीच रक्षा को लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत, जैसा कि कहा भी जा रहा और आपने भी कहा कि विस्तार से चर्चा होगी। मुख्य चुनौती जो है वो मानव तस्करी से जुड़ी हुई है, नकली करेंसी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और साथ ही साथ ड्रग्स एक बहुत बड़ी चुनौती दोनों देशों के लिहाज से है। इस पर भी कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्या, या आपसी सहयोग को लेकर के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं? देखिए, जहां तक ट्रैफिकिंग को लेकर के निश्चित रूप से, चूंकि बहुत भारत और बांग्लादेश के बीच पोरस बॉर्डर है, काफी खुला हुआ बॉर्डर है और ट्रैफिकिंग यहां तक कि ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, कैटल्स की ट्रैफिकिंग होती है और आए दिन इस तरह की घटना आती रहती है कि भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर पुलिस है उनमें हल्का फुल्का नोकझोंक हुआ करता है। ऐसी स्थिति में जो पोरस बॉर्डर है उसको कंप्लीट जैक करने, कंप्लीट उसको मैनिंग करने के लिए दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होना है। और चूंकि ये कुछ इलाका जो है जहां मैन मेड इलाका है वहां तो आप बॉर्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो समुद्री इलाका है वहां चौकसी करनी पड़ेगी, दोनों ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता है, उस पर एग्रीमेंट होनी बाकी है दोनों देशों के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश अगर बात की जाए तो भाषा संस्कृति के अलावा कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और सहयोग की हमेशा उम्मीद की जाती है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि व्यापार के लिहाज से बांग्लादेश भारत से ही सबसे ज्यादा ट्रेड करता है और दक्षिण एशिया की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है भारत ही सबसे बड़ा व्यापार के लिए बांग्लादेश के सामने एक विकल्प होता है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर व्यापार के लिहाज से दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है? जैसे आपको मैंने कहा कि पेट्रोकेमिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है भारत और बांग्लादेश के बीच, ट्रेड को लेकर के बांग्लादेश का ये कंसर्न रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बांग्लादेश की तरफ, यानी बांग्लादेश आता है कि ट्रेड डेफिसिट नहीं हो, मतलब व्यापार में असंतुलन की बात वो कहता है। हालांकि दोनों देश रणनीतिक रूप से
सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा माल सप्लाई इंडिया को करता है, बदले में भारत एनर्जी सप्लाई करता है, ट्रांसमिशन सप्लाई करता है, विद्युत सप्लाई करता है, लेकिन अब बांग्लादेश आता है कि रेसिप्रोकेट हो, मतलब उनका जो बजट जो डेफिसिट है यानी ट्रेड डेफिसिट उसको कंपनसेट किया जाए, लिहाजा ये भी कंसर्न है आज की बातचीत में। अब देखना होगा दोनों देशों के बीच क्या आप जो मल्टीलेटरल टॉक्स हो रही है, बायलेटरल टॉक्स होगी, इसके क्या नतीजे निकलते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया।